हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने एक बेसिक लेक्चर वेक्टर्स पे दिया था, मेरे ख्याल से आप सबने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उसको फिर से देख लें। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, हमें बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही थी और जो हम फोटो खींच के बुक भेज रहे थे तो उतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं थैंकफुल हूँ जैन साहब का, दिनेश जैन की बुक्स आती हैं तो उनको मैंने बोला कि पीडीएफ फॉर्म में मुझे बुक भेजिए। तो विनेश जैन की बुक इस बार जो हम फॉलो करेंगे तो उसकी पीडीएफ फॉर्म उन्होंने बहुत मुश्किल से हमें भेज दी ताकि स्टूडेंट्स का लॉस ना हो, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उसी के ये प्रिंट भी हैं। और विनेश जी, वैसे आपने लिखा हुआ था कि प्रिंट मत निकालना, तो केस कुछ मत करना मुझ पर, ये स्टूडेंट्स के लिए किया है मैंने। एनीवे, सो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपने इस बुक को साथ साथ फॉलो करना है। मैंने आपको भेज दी है वो बुक। आपने क्या करना है, आज जो मेरा लेक्चर है इसमें 1 to 11 पेज तक हम लोग पढ़ेंगे, 1 to 11 पेज जो इसमें है। और लास्ट में इसमें काफी अच्छा दिया हुआ है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले बुक्स में लास्ट में क्वेश्चंस होते थे, हमें भी बड़ा मुश्किल होती थी पढ़ाने में, लेकिन इसमें बहुत अच्छा किया है कि कोई भी टॉपिक जब खत्म होता है उसके क्वेश्चन उसके साथ में ही है। तो उसमें 3 पार्ट्स हैं। देखो, एक रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, उसमें बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चंस लिखा होगा, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन होगा उस पर लिखा होगा कि वो एचपी बोर्ड का है या पंजाब बोर्ड का है। दूसरा उसमें है सॉल्व न्यूमेरिकल, 4 सॉल्व न्यूमेरिकल है जिसमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कॉम्पिटिशन में भी उसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिस। अब ये जो प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिस है, ये इसके हिंट एंड सॉल्यूशन तो दिए हैं लेकिन आपने उसको यूज नहीं करना, आपने उसको अपने आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड देन उसके सॉल्यूशन देखने हैं। तो मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपने उसके बेस पर ये न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं, राइट? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं बता दूं तुम्हें, बता, देखो काफी 11 पेज मेरे लिए पढ़ाना इतना आसान नहीं है, तो कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। थ्योरी, कुछ थ्योरी आप खुद पढ़ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। वैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बता ही देता हूं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है, चार्ज एट, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, चार्ज एट रेस्ट उसकी स्टडी कर रहे हैं, राइट? स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। बट अब ये सब चीजें मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बुक में आपकी दी हुई है बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन, तो यू कैन रीड इट। और इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है जो इसके बाद है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बट आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट। तो आपने थ्योरी पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी हुई है, चार्ज की वैल्यू, प्रोटोन की वैल्यू, मास वगैरह सब दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी हुई है, ये सब वैल्यूज आप ध्यान रखना। इसमें बहुत अच्छा दिया है स्टार्टिंग में, डायमेंशंस दिए हैं, तुम्हें पता है हर बार डायमेंशन से क्वेश्चन आता है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, तो वो आपने यहां से पढ़ना है। देन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, तो वो आपने खुद पढ़ने हैं। मुझे क्या पढ़ाना है, जहां आपको प्रॉब्लम आएगी, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आएगी, दैट आई विल डिस्कस, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाउ। तो जैसा हमने देखा, सबसे पहले है चार्ज एट रेस्ट, तो मैं चार्ज की ही बात करूंगा, चार्ज, राइट? चार्ज आप सबको पता है, चार्ज सबने देखा है, नहीं देखा? ओके, चलो मैं दिखाता हूं कहां देखा है आपने। तुमने कई बार देखा होगा एक दूसरे को करंट ऐसा नहीं लगता, कैसे होता है वो, जैसे हम कोई रब करते हैं, या ज्यादातर आप कभी भी देखना, जब भी आप सिंथेटिक क्लोथ जब भी आप पहनते हो तो आप कहीं ना कहीं चार्ज हो जाते हो। जैसे आप कई बार टैप खोलते हो तो एकदम से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ऐसा लगता है करंट लग गया शायद। सो बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज, सबसे पहले चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड ऑल, लेकिन ये बुक में दिया होता है, आप पढ़ सकते हो, बट फिर भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बट एक बात ध्यान रखना, चार्ज जो है
अगर किसी बॉडी चार्ज के लिए मास की जरूरत है, मींस इफ ए बॉडी इज चार्ज इट विल हैव मास, बट मास अगर कोई है तो वो जरूरी नहीं है वो चार्ज हो या ना हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपने। नाउ तो चार्ज क्या यूनिट्स हैं इसके, इसके एसआई यूनिट हैं कूलम, राइट, और इसके सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम, राइट। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, यहां पर हम मैंने बोला है कूलम स्टैट कूलम एंड वन कूलम और स्टैट कूलम में क्या रिलेशन है, वन कूलम एंड स्टैट कूलम में क्या रिलेशन है, ये जो मैं आप बताऊंगा ये आगे एक जगह यूज होगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको यूज कर पाएंगे। वैसे मुझे पूरा भरोसा है तुम भूल जाओगे, 1 × 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम ये होता है, ये ध्यान रखना, ये सीजीएस यूनिट हो गया एक तरह से इसका, बट इसको हम यूज करेंगे, फिर मैंने बोला ना फिर तब भूल जाओगे जब मैं दूंगा इसको क्वेश्चन के लिए। नाउ अब देखो, सबसे पहली बात हमने अभी क्या कहा कि चार्ज जो है, कोई बॉडी चार्ज है तो चार्ज क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, सपोज करो कोई बॉडी ए है और हमने बोला पॉजिटिवली चार्ज है, राइट, तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है, तो बेसिकली इस अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है इट मींस इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है। देखो देखो अब स्टार्टिंग में दिया था ना एक इलेक्ट्रॉन पर मास कितना है, दैट यू विल कैलकुलेट 9.1 × 10⁻³¹ kg, मैंने बता दिया लेकिन वैसे तुम याद रखना इसको। नाउ कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उसने क्या किया है, लॉस किया इलेक्ट्रॉन का। देखो वैसे तो इलेक्ट्रॉन का मास देख रहे हो कितना, 9.1 × 10⁻³¹ kg, बहुत ही कम है, क्या फर्क पड़ता है। अब मान लो मैं कहूं ये रब करके, अरे मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब अपना वेट करता हूं, शायद मेरा वेट कम आएगा, नहीं, नॉर्मल जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें वो वेट मेजर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम फिजिक्स में बोलें कि क्या अगर मान लो एक चार्ज पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिजिक्स में तो हम बोलेंगे भाई इसने लॉस किया है चार्ज, तो और मास भी इसका लूज हुआ है। इसी तरह से ए नेगेटिव, अगर किसी पर चार्ज नेगेटिव हुआ, मान लो किसी तरह से बॉडी के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, इसने मास गेन किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्टार्टिंग में बॉडी न्यूट्रल थी, मैंने पहले ही बता दिया, कहीं ये नहीं कहीं सोचे हमने चलो मास लूज करते हैं थोड़े इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। बट अगर हम थ्योरी में आंसर देंगे व्हेन बॉडी इज चार्ज्ड तो इट मे लूज और इट मे गेन मास, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, तो इट मे लूज और इट मे गेन मास। नाउ फिर से तुम्हें पता है अगर दो बॉडीज पॉजिटिव हैं, दो बॉडीज पॉजिटिव हैं, एनी बॉडी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। नेगेटिव चार्ज हैं दो, अगर दो बॉडीज नेगेटिव होंगी वो क्या करेंगी, वो भी रिपेल करेंगी, रिपेल करेंगी। बट अगर एक बॉडी पॉजिटिव हो और एक बॉडी नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो अट्रैक्शन होगा, राइट, अट्रैक्शन। अब तुमने ये पढ़ तो लिया, मुझे लगता है क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे आप। मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट इज द पॉसिबल चार्ज ऑन इट, टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट इज द पॉसिबल चार्ज ऑन इट। तो अब सोचो, आप पॉज करो वीडियो को और सोचो, क्योंकि अब जैसे ही आप पॉज को हटाओगे मेरे को आंसर मिल जाएगा। अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं तो उन पर चार्ज क्या होगा, तो ज्यादातर स्टूडेंट बोलेंगे सर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, यही सोच रहे हो ना आप, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, सो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगी, राइट, करेक्ट।
बट एक्चुअल में तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट कहाँ करते हैं, एक दूसरे के थप्पड़ लगाते हैं उल्टा, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो अच्छा, अब अट्रैक्ट करते हैं तो मैंने बोला अगर आपको ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो ये क्या आंसर है मेरा कंप्लीट? नहीं, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो और एक अनचार्ज्ड हो, तब भी वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे। और ये एक और केस है, अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में बड़ी हो पॉजिटिव चार्ज, और एक कोई बॉडी बिल्कुल छोटी हो, इतनी सी कीड़ी जितनी, तो क्या होगा? मान लो ये है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, देखा जाए तो अट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉडी के, वो साइड में आ जाएंगे यहां ऐसे, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर दी इसमें। तो एक बहुत लार्ज बॉडी हो तो भी ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दो केस तुमने देखे, तो मेरा आंसर कंप्लीट नहीं है ना, कि अगर दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो मैं ये बोल दूं कि दोनों अपोजिटली चार्ज है। नहीं, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, तो इसलिए हमारा वो आंसर कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए एक क्वेश्चन आता है, रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट। भाई स्पेलिंग स्पुलिंग गलत हो तो ठीक कर लेना अपने आप। ओके, रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट, ये आता है बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने एक्सप्लेनेशन इसके थ्रू देनी है, राइट। अब मैं अनचार्ज वाली बात करता हूं, ये क्या होगा। वैसे जब तुम छोटे थे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करते ही रहते थे, तो शायद तुम लोगों ने खेल खेला होगा सबने, स्केल। अभी मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। ये देखो, यहां पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे 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 रब करूंगा, और अरे ये तो चिपका ही नहीं, लगता है और ज्यादा रब करना पड़ेगा। मैंने इसको ऐसे 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 करके रब किया और हम देख क्या रहे हैं, ये देखो चिपक गया ना, चिपक गया। तो इसका मतलब क्या, यहां ये बॉडी क्या थी, अनचार्ज थी, और ये बॉडी चार्ज हो गई। अब ये बॉडी अनचार्ज थी और ये बॉडी चार्ज थी, तो फिर भी अट्रैक्शन हुई ना, इसका रीजन हम फाइंड आउट करेंगे ऐसा क्यों हुआ। देन दूसरी बात फिर से देखते हैं, चलो एक और चीज अगर हम देखें, यहां ध्यान से देखना, ये मैं फिर से इसको रब करके यहां रख देता हूं। ओके, ये मैंने रख दिया है। अब मैं एक और लूंगा, ये देखो फिर से मैं ऐसे 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 रब करूंगा, तो लेट्स सी क्या होने वाला है, इसको और रब करना पड़ेगा। आई थिंक ये पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है, लेट्स चार्ज इट अगेन। मैं इसको चार्ज कर रहा हूं पहले, ये और ज्यादा, और इसको मैंने यहां रख दिया, राइट, ये यहां रख दिया, और अब हम इसको चार्ज करेंगे, ये सेम चार्ज होना चाहिए ना, इस पे कुछ चार्ज आ गया और इस पे चार्ज आया, अब देखते हैं क्या करेगा। ये देखो 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 चलने लगा, दिस, इसका मतलब इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो रहा है, ये रिपेल हो रहा है। तो तुमने एक चीज देखी, रिपेल हो रहा है। नाउ लेट्स सेट, मैंने बोला बॉडी ये पाइप थी और ये पेपर, कर रहे होंगे आपने बचपन में ये काम। अब क्या हुआ, इस पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्यों क्यों हुआ इस पर नेगेटिव, इसको नेगेटिव ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, ये ऐसे करके पेपर ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज ने यहां के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, ये इधर हो गया और इधर पॉजिटिव। इस बॉडी पर नेट चार्ज तो जीरो ही है, तो अब ये क्या हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया, नाउ दिस इज पॉजिटिव और इसने इस पेपर को अट्रैक्ट, इसको बोलते हैं हम इंडक्शन, इसको आगे पढ़ेंगे, इंडक्शन हुई है एक तरह से, तो ये इसलिए अट्रैक्ट हुआ। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा उस क्वेश्चन का आंसर हमने दिया,
तो दिस इज चार्ज थ्रू इंडक्शन. नाउ एक बात और बताता हूं, आपके पास इस बुक में एक दिया हुआ है, आपने याद रखना है इसको, क्वेश्चन आ जाता है कई बार. यहां पर नेम ऑफ द पेज नंबर 5 पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, जैसे अब मैंने एक पाइप को ऐसे रब किया तो इस पर चार्ज क्या होगा और मेरे बालों में चार्ज क्या आ गया होगा, ठीक है, पता लगेगा, मुझे भी चिपक जाऊंगा मैं कहीं. अब दूसरा क्या है, कोई भी बॉडी को हम टच करें या रब करें तो किस पर पॉजिटिव होगा किस पर नेगेटिव होगा, ये सीरीज दी हुई है देखो. और इवन एनसीईआरटी की बुक, मैं एनसीईआरटी की बुक भी भेज रहा हूं आपको, उसमें भी सीरीज मेंशन किया है. वैसे तो दिनेश में लगभग सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर विनेश की जो बुक्स हैं इसमें लगातार सीरीज दी हैं. पॉजिटिव चार्ज जब दो बॉडीज को हम, जैसे ग्लास रोड और सिल्क क्लोथ को हम रब करेंगे तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर सिल्क पर नेगेटिव आएगा. तो ये याद रखना, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपने इसकी सीरीज ध्यान रखनी है. नाउ अब अगर हम नेक्स्ट बात करें चार्ज की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. तो इन प्रॉपर्टीज का ये है आपके पास इसी में पेज नंबर 8 पर, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे. देखो मैं इतना कुछ लिखूंगा नहीं, यानी जब आपके पास बुक्स हैं तो क्यों ना आप उसी से पढ़ लो, इतना कुछ लिखने में टाइम वेस्ट होगा देन, और वीडियो भी बड़ा बनेगा, अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता फिर. अच्छा अब इसमें देखो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इसमें पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक मास इज ए फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो हमने कर लिया है. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ टू टाइप आई थिंक क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है. देन थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. एडिटिव मतलब सिंपली ऐड कर सकते हैं हम, हमने एक बात की थी स्केलर इन नेचर, वो स्केलर है. देन फोर्थ लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, देन अनलेस अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, दैट यू नो. देन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम यूज भी करेंगे. इलेक्ट्रिक, भाई मेरी राइटिंग समझना है ना तो बुक से पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड. इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. कुछ याद सा नहीं आ रहा, प्लस हमने कुछ पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद है ना, लगभग वैसा ही है, चार्ज इज कंजर्व्ड. देन टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही रहेगा. अब जैसे सपोज करो मैंने कोई बॉडी ली और उसके ऊपर एक चार्ज है +2, एक में है मान लेते -1, एक में है +3. अब ये है, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है. अब मैंने इसको क्या किया, शेक किया और फिर शेक किया, ठीक है, ज्यादा ही शेक कर दिया लगता है मैंने. और अब शेक करके फिर से क्या देखा, एक बॉडी पर चार्ज है 1, एक बॉडी पर चार्ज है -3. अब तीसरी पे क्या चार्ज होगा, कैसे करेंगे सॉल्व, पॉज करो वीडियो को एंड देन सॉल्व इट, आंसर इसके बाद मिलेगा जैसे ऑन करोगे. तो यहां देखो टोटल चार्ज कितना हो गया, 5 -1 इज इक्वल टू 4. यहां चार्ज कितना हुआ, 1 -3 प्लस ये चार्ज हमें निकालना है, तो ये कितना हो गया -2 + 2, दैट इज इक्वल टू 5 - 1 = 4, ये तो q इज इक्वल टू 6. सो दैट इज द आंसर. ठीक आया आप लोगों का, आप तो सबका ही ठीक आएगा, अदरवाइज क्लास में तो आता नहीं ठीक. तो ये आ गया, तो यहां से हमने क्या सीखा, चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट चार्ज इज कंजर्व्ड. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं उसी बुक को फॉलो करते हुए आपको पढ़ा रहा हूं, सो दैट आपका एक सीक्वेंस बना रहे. इसके बाद बुक में आपके पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. अरे स्पेलिंग क्या था इसका, क्वांटाइज का देखना पड़ेगा मुझे, देखा तो नहीं किसी ने, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. ओके, तो चार्ज इज क्वांटाइज का क्या मतलब है, क्यू इज इक्वल टू +-ne. ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है. एन क्या है, इंटीजर. अरे मैं गोला सर इंटीजर भी पढ़ा दो.
Now E electron, electron पे charge कितना होता है? -1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb. इसको आपने याद रखना है. तो basically charges quantize का मतलब क्या है? दुनिया में सबसे छोटा charge क्या है? ये है. और जितने भी charge हैं वो इसके integral multiple ही हैं. मतलब ऐसा नहीं होगा 2 electron, 3 electron, 4 electron ऐसा हो सकता है. ऐसा नहीं होगा सर आधा इलेक्ट्रॉन देना जरा. नहीं, चार्जेस क्वांटाइज इंटीग्रल मल्टीपल 1, 2, 3 मतलब ऐसा हो सकता है प्लस माइनस 1. प्लस माइनस दोनों हो सकता है. 1.6 माइनस 19 कूलम हुआ. अगला कौन सा होगा इसका इंटीग्रल मतलब दो इलेक्ट्रॉन मतलब 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम प्लस माइनस. इसी तरह से 3.2 16 का टेबल बताइए तुम लोगों को. फिर आएगा 4.8. कई खुश हो रहे होंगे हमें आता नहीं पर सबको लग रहा है हमें आता है. नाउ ये आ गया 1.6 3.2 4.8 लाइक. तो ये सारे इंटीग्रल मल्टीपल होंगे. ये आपने ध्यान रखना है. अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं 2 × 10⁻¹⁹ कूलम क्या ये पॉसिबल है? तो बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है. 1.6 3.2 बीच में 2 है पर मुझे चेक कैसे करना है? इससे डिवाइड कर देता हूं मैं इसको. Q की वैल्यू कितनी है? दिस वन E की वैल्यू ये. तो N क्या होगा? 2 × 10⁻¹⁹ / 1.6 × 10⁻¹⁹. तो कहां होगा? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इंटीजर बनेगा ही नहीं. तो इट इज नॉट पॉसिबल. हाँ अगर मैं बोलूं 8 × 10⁻¹⁹ हो सकता है तो लेट्स सेट 1.6 × 10⁻¹⁹ ये कट जाएगा. इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5. आ गया ना 5. 1.6 5 है. तो इसका मतलब ये पॉसिबल है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है. तो चार्ज इज क्वांटाइज सबसे छोटा चार्ज यही हो सकता है. इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था अब आप बुक में पढ़ोगे. आपको बुक में दिया गया है एंड वो बुक में क्या दिया गया है ये चार्ज क्वांटाइजेशन का किसने किया था? मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड. ये है. इसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा. मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड. तो मिल्क भाई मिल्क मैन नहीं कहीं दूध वाला सोचे. दूध वाला नहीं, मिल्कन्स याद रखना. ओके मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड इसके थ्रू प्रूव किया था चार्ज इज क्वांटाइज्ड. सो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं तुम लोगों से. एनीवे इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बुक में आपने कौन सी दी हुई है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोशन ऑफ चार्ज बॉडी. मोशन पे डिवाइड नहीं करता. चार्ज रेस्ट पे या मोशन में चार्ज की वैल्यू वही रहेगी. अनलाइक मास. मास याद होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 − v² / v² एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 − v² ये क्या हो गया? मास चेंज होता है जब वेलोसिटी ऑफ लाइट इसी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर. लेकिन चार्ज में नहीं, कहीं चार्ज में यही फॉर्मूला लगा दो तुम चार्ज विल रिमेन सेम. सो दीज आर द पॉइंट्स. अब आती है बात नेक्स्ट कौन सी कि चार्ज प्रोड्यूस किन किन मेथड से कर सकते हैं हम. वैसे तो हम थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर ही चुके हैं लेकिन फिर भी सबसे पहले है कंडक्शन. ये सब आपको मेथड दिए हुए हैं. आप अगर देखोगे इसमें पेज नंबर देखिए आप. वैसे स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है आपको आगे पीछे तो इसमें मेंशन किया हुआ है चार्ज कंडक्शन फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड कंडक्शन चार्ज बाय कंडक्शन ऑन पेज नंबर 6 आप अगर देखोगे तो वहां मेथड दिए हुए हैं. तो ये आपने अपने आप पढ़ने हैं मैं सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा. तो इसमें जैसे कंडक्शन का क्या मतलब हुआ कि दो बॉडीज अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अगर बॉडी का होगा एक तो स्पेलिंग बड़े गलत हो जाते हैं. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर बॉडी होगी तो चार्ज होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर दो सिमिलर बॉडीज को अगर हम टच करें ऐसे तो टोटल चार्ज कितना हुआ? Q1 + Q2. तो और फिर से सेपरेट करेंगे तो Q1 + Q2 / 2 Q1 + Q2 / 2 दोनों में आधा आधा चार्ज हो जाएगा. करेक्ट बराबर होंगे सब तो मिल बांट के खा सकते हो ना तुम. अब इसमें देखो बराबर होंगे सिमिलर बॉडीज होंगी वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलर बॉडीज
तब तो ये होगा, मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर अगर सिमिलर ना हो तो क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे पोटेंशियल चैप्टर में। पोटेंशियल जब होगा तब आपने फिर से पूछ सकते मुझसे क्वेश्चन, अगर सिमिलर ना हो तो क्या होगा, अगर ऐसा होता तो क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, ये उस समय पूछना है क्वेश्चन, उसका आंसर मैं तब दूंगा। फिलहाल जब दो बॉडी सिमिलर होंगी तो दोनों को अगर आप टच करोगे तो जो टोटल देखो यहां चार्ज कंजर्वेशन लगा, दोनों को ऐड करो और आधा आधा डिवाइड कर दिया हमने। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा होगा, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट भी किया था, चार्ज थ्रू इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू हमने चार्ज किया था, तो उसका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, चार्ज थ्रू इंडक्शन, ध्यान है ना सबको, इंडक्शन कि अगर बॉडी एक चार्ज पॉजिटिव क्यू है और ये अनचार्ज बॉडी है तो ये इंड्यूस करेगा माइनस क्यू। यहां पर एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्या मिसकॉन्सेप्शन है, कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक चार्ज बॉडी माइनस क्यू इंड्यूस करती है, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा सिर्फ मेटल्स में होगा, करेक्ट, इसको मैं डाइलेक्ट्रिक के बाद बताऊंगा कि ये मिसकॉन्सेप्शन है, लिख लेना इसको चाहे मिसकॉन्सेप्शन। क्या है मिसकॉन्सेप्शन, कि अगर एक बॉडी के पास चार्ज क्यू है वो इंड्यूस क्या करेगा, माइनस क्यू, ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये सिर्फ किसमें होता है, मेटल्स में। अगर कोई और होगा डाइलेक्ट्रिक जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा उसमें ऐसा नहीं होगा, इंड्यूस माइनस क्यू नहीं करेगा, ये मिसकॉन्सेप्शन है, राइट। हमेशा मत सोचना क्यू माइनस क्यू ही इंड्यूस करेगा, ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ते हो ना उसमें वैसे ही करते हो आप। तो तीसरा आपको पता है चार्ज बाय फ्रिक्शन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रब करने से, जैसे मैंने बोला खासकर अभी तो यार काफी टाइम हो गया है नहान में, तो सर्दियां खत्म नहीं हो रही है, कई हाफ स्वेटर्स पहनते होंगे या जैकेट्स पहनते होंगे, तो उसमें तुमने देखा होगा जब रब होता है तो रात को अंधेरे में कई बार स्पार्क्स भी दिखती हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये मेरा चैप्टर 1 टू 11 पेज तक आप लोगों ने पढ़ना है, जो मैंने दिया है क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, आपने मैं बुक भेज रहा हूं आपको फिनिश की, उसके अंदर रिलेटेड क्वेश्चंस चार, उसमें सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं और प्रैक्टिस की प्रॉब्लम्स हैं। ये सारा आपने पढ़ना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट होगा वो आप मुझे कॉमेंट्स में भी लिख सकते हैं नीचे कि सर ये मेरा डाउट है, और दूसरे जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये सब आपने पढ़ने हैं और थ्योरी को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ओके बाय बाय।